नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कुमार और हमारे YouTube चैनल फ्लिप इंस्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में काफ़ी ज़बरदस्त हिंसा हो रही है। स्थिति इतनी ख़राब है कि मणिपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और यहां तक कि सेना को मार्च करना पड़ा। और वहीं कलेक्टर को आदेश दिया गया कि ज़रूरत पड़ने पर वह शूट एंड साइड का ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे देश की महिला बॉक्सर चैंपियन मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट कर कहा कि मेरा राज्य जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। उन्होंने कुछ जलती हुई मकान और गाड़ियों की फोटो शेयर की है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से प्रमुख कारण हैं जिससे मणिपुर में हिंसा हो रही है। इससे पहले मणिपुर के कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन और कुछ जनजातियों के बारे में जानते हैं ताकि पूरे मामले को समझने में आसानी हो। भौगोलिक रूप से मणिपुर के दो भाग हैं, पहाड़ियाँ और घाटियाँ। घाटी मध्य में है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर का इलाका करीब 90% पहाड़ी क्षेत्र है और 10% घाटी का क्षेत्र है। प्रमुख रूप से मणिपुर में 3 समुदाय हैं, कुकी, नागा और मेतई। कुकी और नागा आदिवासी समुदाय के हैं, वहीं मेतई आदिवासी समुदाय के नहीं हैं। ये हिंदू हैं और ये SC और OBC कैटेगरी में आते हैं। वहीं 90% जो पहाड़ी इलाका है उसमें राज्य का 40% नागा और कुकी समुदाय रहता है और बचे 10% में 53% मेतई समुदाय के रहते हैं। इसमें नागा और कुकी चाहे तो घाटी में जाकर बस सकते हैं, लेकिन गैर आदिवासी होने के कारण मेतई समुदाय पहाड़ों पर नहीं बस सकते, क्योंकि नागा और कुकी आदिवासी समुदाय के हैं, इसलिए उनके कुछ अलग रूल्स हैं। अब हिंसा का कारण यहीं से पनपता है। मणिपुर के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं। मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय कर दिया गया था और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, लगभग 23 साल बाद। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में लगे इतने लंबे समय के कारण ही आदिवासियों में असंतोष पैदा हुआ। मणिपुर में उग्रवाद का उदय 1964 में UNLF यानी यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के गठन के साथ हुआ, जो अभी भी वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिटेंट्स हैं। आखिर मामला क्या है? नागा और कुकी समुदाय का कहना है कि मेतई एक काफी मजबूत समुदाय है। यह जनसंख्या और राजनीति प्रतिनिधित्व दोनों में ही समुदाय का दबदबा है और शहरी इलाकों में रहते हैं। मेतई के लोगों की मणिपुरी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। ये SC OBC कैटेगरी में आते हैं और इसका फायदा भी उठाते हैं। अब मेतई समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफी कम भूमि है, जो लगातार कम हो रही है, और पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी इसी शहरी इलाके में आ रहे हैं जिससे जमीनों के दाम काफी बढ़ रहे हैं। इसलिए मेतई समुदाय खुद के लिए विशेष दर्जे का मांग कर रहे हैं। इनकी मांग रही है कि 1949 में भारत में शामिल होने से पहले ही उन्हें ट्राइब्स के रूप में लिस्टेड किया गया था, लेकिन 1950 में जब संविधान की ड्राफ्टिंग हुई उसके बाद उन्हें ST वाली सूची से हटा दिया गया था। इसी मांग को मेहती समुदाय ने 2012 में हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। मेहती समुदाय ने हाई कोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मेहती समुदाय को ST का दर्जा दिया जाना चाहिए। 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेहती समुदाय के पक्ष में आरक्षण की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करें। हाई कोर्ट का आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मेहती समुदाय को ST का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इस विरोध की शुरुआत कुकी और नागा जनजाति ने और उनका साथ तमाम अन्य जनजातियों ने दिया। ये विरोध तो चल ही रहा था, इस बीच में मणिपुर सरकार की तरफ से कराए गए लैंड सर्वे ने पहाड़ी जनजातियों को भड़काने का काम किया। इस सर्वे के बाद कुकी समुदाय के कुछ लोगों को कहा गया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं और उन्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। इसके बाद ग्रामीण जनजातियों ने इसका विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को ITLF यानी द इंडिजिनियस ट्राइबल्स लीडर फोरम की तरफ से सरकार के खिलाफ 8 घंटे का बंद बुलाया गया था। CM बीरेन सिंह चूरा चांद में ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे। इससे पहले बीरेन सिंह के लिए तैयार मंच को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में इलाके में पुलिस फोर्स तैनात हुआ। इसके बाद हिंसा रुकने के बजाय कई जिलों में फैल गई। 28 अप्रैल को पुलिस के तैनाती के साथ साथ हिंसक प्रदर्शन बढ़ने लगे और लोगों ने टायर जलाए और जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच काफी क्लैश हुआ। 29 अप्रैल को भी जमकर आगजनी हुई। करीब 3 दिन तक हुए इस वायलेंस को 30 अप्रैल तक कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी आग भड़की हुई थी, जिसका अंदाजा पुलिस और प्रशासन किसी को नहीं था। इस बार वायलेंस की वजह मेतई समुदाय था। 3 मई को स्टूडेंट
यूनियन यानी ATSUM ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च बुलाया। ये मार्च मेतई समुदाय की मांग और उसके मिलने वाली समर्थन के खिलाफ बुलाया गया था। मणिपुर के अलग अलग जिलों में मेतई समुदाय के खिलाफ ऐसे ही बड़े बड़े मार्च निकाले गए। इसी बीच मेतई समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरे और दोनों पक्ष में जमकर क्लैश हुआ। हिंसा को देखते हुए 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया और इंटरनेट सेवा बंद किया गया। हिंसा को रोकने के लिए सेना की तैनाती की गई। संविधान का आर्टिकल 371C जो मणिपुर से संबंधित है।